नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। पूछता है झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बुधवार को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया। केंद्र सरकार तो बजट की तारीफ करते नहीं थक रही, तो वहीं झारखंड की सोरेन सरकार पूछ रही है कि इस बजट में झारखंड को क्या मिला। पूरी खबर क्या है पहले आप वो समझने के लिए रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। वैसे तो तमाम सौगात आम बजट के दौरान आवाम को देने के दावे केंद्र सरकार कर रही है, मगर झारखंड को क्या मिला इसको लेकर सियासत हो रही है। सरकार का दावा है कि इस बार के बजट में वो हुआ जो अब तक के इतिहास में नहीं हुआ, तो विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ धोखा हुआ। सरकार ने झारखंड के परिप्रेक्ष्य में क्या दिया वो आगे आपको बताएंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि झारखंड में करीब 86 लाख आदिवासी समुदाय है, और देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आदिवासी समुदाय देश की कुल आबादी करीब 8.9% है। चलिए अब जानिए कि झारखंड के लिए इस बजट में क्या है। इस बजट के जरिए विशेष रूप से कमजोर जनजाति के लिए की गई घोषणाओं का लाभ का जिक्र किया जा रहा है, जिसमें झारखंड के 2,92,000 आदिम जनजाति के साथ साथ 86,45,000 आदिवासियों को लाभ मिलेगा। दावा यह भी है कि झारखंड में पर्यटन उद्योग को भी इस बजट में नई दिशा मिलेगी, साथ ही कोयला और स्टील उद्योग क्षेत्र में भी तरक्की की उम्मीद जगी है। इतना ही नहीं, सूबे में 3 नए नर्सिंग कॉलेज भी खुलेंगे। 2047 तक स्किल सेल एनीमिया को खत्म करने के मिशन का लाभ भी राज्य को मिलेगा। रेलवे के विकास में जनजातीय गौरव कॉरिडोर और भारत गौरव ट्रेन का विस्तार देवघर तक करने का भी लाभ मिलेगा। बजट में आदिवासियों के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक विकास का खासा प्रावधान किया गया है। वैसे आपको बता दें कि झारखंड में 26% से ज्यादा जनजातीय आबादी है। बजट में जनजातियों को, विशेषकर कमजोर जनजातियों के विकास के लिए पहली बार विशेष प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ अगले 3 साल में 38,800 शिक्षकों की नियुक्ति का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें झारखंड के 92 क्लब स्कूलों में भी शिक्षकों के साथ साथ सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। कोयला और सीमेंट उद्योग के लिए 75,000 करोड़, केंद्र के इस बजट में 75,000 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है, जिससे झारखंड के कोयला और सीमेंट उद्योग को नई ऊर्जा मिलेगी। एमएसएमई में छूट से झारखंड के लगभग 5,000 लघु और मध्यम कारोबारियों को फायदा मिलेगा। देखिए, हमारा मानना है जो केंद्रीय बजट है उससे सीधे फायदा झारखंड को भी मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं आकांक्षी जिलों की, जो झारखंड में 19 हैं। तो जो पूरे देश में करीब 100 से ज्यादा आकांक्षी जिलों पर केंद्र का डायरेक्ट फंडिंग हो रहा है, इस योजना को इस वर्ष भी आगे बढ़ाने की निर्णय केंद्र के द्वारा लिया गया है, तो इसका सीधा फायदा झारखंड सरकार को मिलेगा, क्योंकि ये सीधे सेंटर से फंड आते हैं और इसमें स्टेट का कोई अंशदान नहीं होता। इसके अतिरिक्त जो आदिम जनजाति हैं और जो जनजाति गांवों के लिए 15,000 करोड़ रुपए के स्पेशल फंड का गठन किया गया है, जो 3 वर्षों में खर्च होगा, और ये गांवों में जो आधारभूत संरचना है, स्कूलों की या आप बात करें तमाम सड़कों की, पेयजल की, इनमें इस पैसे का खर्च होगा। देखिए, आम बजट में जो आदिवासियों के हितों की बात की गई है, तो हमें यह लगता है कि ये एक जुमला कहीं साबित ना हो, क्योंकि लगातार जिस प्रकार आम बजट से लोग को यही अंदेशा हो रहा है कि एक जुमला साबित हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी पर आदिवासी भरोसा विश्वास नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि लगातार भाजपा जो है उनकी अस्मिता से जुड़ी हुई है, हर मामलों पर सिर्फ एक षड्यंत्र रच रही है। तो स्वाभाविक तौर पे जितना फैसला आम बजट में इन लोगों ने लिया है आदिवासी हितों के लिए, अगर उसी का ध्यान रखते हुए सरना धर्म कोड भी अगर ये लोग लागू कर देते, तो स्वाभाविक तौर पे कहीं ना कहीं आदिवासियों की अस्मिता और उनकी पहचान बरकरार रहती। लेकिन अगर ये धरातल पर उतरे तो अच्छी बात है। मसला सियासी वार पलटवार का नहीं, बल्कि योजनाओं के जरिए सीधे आदिवासी समुदाय के दिल में उतरने का है। ऐसे में बीजेपी और मोदी सरकार की कोशिशें सीएम हेमंत को रास आएंगी लगता तो नहीं। राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो झारखंड के लिए बजट में क्या कुछ खास है इसको लेकर हम चर्चा आज करने जा रहे हैं। लेकिन झारखंड सरकार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जेएमएम, कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है कि आखिरकार आपने बजट में तमाम सारे प्रावधान किए, लेकिन झारखंड के मूल निवासियों के लिए इस बजट में क्या कुछ खास है, तो इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमानों का खास पैनल भी हमारे साथ मौजूद होगा, लेकिन उससे पहले हम आपको एक बार ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि झारखंड के लिए क्या कह दिया। झारखंड में करीब 86 लाख आदिवासी समुदाय रहते हैं। झारखंड पूरे प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, जहां पर 86 लाख आदिवासी समुदाय है।
आदिवासी समुदाय देश की कुल आबादी का करीब 8.9% हिस्सा है, है ना। और इसके साथ साथ झारखंड के 2,92,000 आदिम जनजाति झारखंड में रहती है, और इसके लिए सरकार ने क्या किया है, 86,45,000 आदिवासियों को इसका लाभ मिलेगा। सीधे सीधे लाभ मिल रहा है इस बजट का 86,45,000 आदिवासियों को। कोयला और स्टील उद्योग क्षेत्र में भी तरक्की की उम्मीद जताई जा रही है इस बजट के जरिए, क्योंकि झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। छत्तीसगढ़ और झारखंड दो ऐसे राज्य हैं। सूबे में 3 नए नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज इसमें खुलने की बात कही जा रही है। 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने की कोशिश झारखंड में की जा रही है। इसके साथ साथ जनजातीय गौरव कॉरिडोर, जी हाँ, रेल के जरिए ये कॉरिडोर की बात कही जा रही है। भारत गौरव ट्रेन का देवघर तक विस्तार की बात कही जा रही है इस बजट में, लेकिन बावजूद उसके सवाल लगातार विपक्ष उठा रहा है। शिक्षा में क्या सौगात है, शैक्षणिक सामाजिक और आर्थिक विकास का खासा प्रावधान रखा गया है शिक्षा में। झारखंड में 26% से ज़्यादा जनजातीय आबादी है, और 26% से ज़्यादा आबादी के लिए, जनजातियों की आबादी के लिए, कमज़ोर जनजातियों के विकास के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं इस बजट में। इसके साथ साथ 3 साल में 38,800 शिक्षकों की नियुक्ति का लक्ष्य रखा गया है। अगले 3 साल में 38,800 शिक्षकों की नियुक्ति, और झारखंड के अंदर, सिर्फ झारखंड के अंदर ही अंदर 92 एकलव्य स्कूल खुलेंगे जिसमें शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। 75,000 करोड़ के बजट का प्रावधान है झारखंड में। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आनंद अमित है नेता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ, बहुत स्वागत है आनंद अमित जी आपका। लक्ष्मी नारायण तिवारी हैं नेता कांग्रेस, आपका बहुत स्वागत है लक्ष्मी नारायण जी। सर, क्या दिक्कत लग रही है बजट में, क्योंकि केंद्र सरकार तो तारीफ कर रही है बजट की और तमाम सारे प्रावधान गिना दिए बजट में, झारखंड के लिए, आदिवासियों के लिए, शिक्षा के लिए, जनजातियों के लिए, फिर भी क्या तकलीफ है विपक्ष को और झारखंड सरकार को? लक्ष्मी नारायण जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी, किन हमसे पूछ रहे हैं? जी सर, आप ही से। सर चलिए, हम ये कह रहे हैं कि आपके, आपका प्रश्न मैंने सुना जी। मैं कल ही बात सोच रहा था, जब आज समाचार पत्र देखा, हाँ, और जो प्रतिक्रियाएं आई है और पढ़ा मैंने, हाँ, तो मुझे कष्ट हुआ। हाँ, कष्ट इस बात का हुआ, आप प्रतिक्रियाओं को पढ़ के कष्ट मत सही है सर, क्योंकि प्रतिक्रियाएं तो विपक्ष देता ही है, नेता देते हैं, नेताओं का काम है प्रतिक्रिया देना, लेकिन एक बार उसका विश्लेषण तो करते हैं बैठ के। सुनिए ना, हाँ, सोनी साहब जी, मैंने पहले भी कहा है कि राजनीति का धर्म होना चाहिए। हाँ, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। विरोध सिर्फ विरोध के लिए नहीं होना चाहिए जी। अगर वास्तव में दम है तो, अब जैसे सत्ता पक्ष कह रही है कि बजट एकदम बेकार है, हाँ, निराशाजनक है, हाँ, और झारखंड की विपक्ष की के लोग जो बैठे हैं वो, हाँ, कहते हैं क्या क्या पूछना है, हाँ, मालामाल कर दिया। हाँ, तो सर सोनी साहब, कोई ना कोई बात में तो दम होगा और कोई बात एकदम निराधार भी होगा। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि इन प्रक्रियाओं पर विराम लगना चाहिए। हाँ, अगर आपने लोक लुभावन बजट दिया, अगर किसानों का, मजदूरों का, नौजवानों का, महंगाई का, हाँ, अगर इसमें आपने ख्याल नहीं रखा और बड़े बड़े पूंजीपतियों को खुश करने के लिए अगर आपने योजना को लाभ मिल रहा है, बताइए, आपको ये बात कहनी चाहिए। हम ही कह रहे हैं कि ये बताइए कि हीरा बहुत सस्ता होगा, हाँ, गरीब को क्या मतलब है उससे? आप मनरेगा ने आपने बजट कम किया, हाँ, क्या कहना है इस पर, बोले एक एक करके बोलिए। महंगाई के लिए आपने कौन से कदम उठाए? मनरेगा का तो कह रही थी कि महंगाई हमने कम की है और महंगाई को कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। सुनिए ना, कल संसद में बोला तो उन्होंने, भाषण है ऑन रिकॉर्ड सोनी जी। हाँ, वो तो कहेंगी और मोदी जी पीठ थपथपाएंगे, देश के सबसे बड़े सदन में प्लेटफॉर्म पर इतना झूठ तो नहीं बोलेंगे ना सर। देखिए मेरा कहना है ना, हाँ, कि हम भी तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आपके द्वारा सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है, कि हमको देश की वित्त मंत्री बताएं या झारखंड के विपक्ष के नेता जो बैठ के अपनी पीठ खुद थपथपा रहे वो बताएं कि मनरेगा में बजट क्यों कम किया गया, मजदूरों के पेट पर छुरियां क्यों चलाई गई,
किसानों के लिए क्या कदम उठाए गए महंगाई को कम करने के लिए। देखिए हीरा को आपने सस्ता कर दिया, सोना सस्ता कर दिया, टीवी आप 3000 कम कर दिए, क्या लाभ है इनसे गरीबों के? मध्यम वर्ग की गृहणियां पूछती हैं कि 1100 रुपया मध्यम वर्ग के गृहणियों को गैस का दाम आप वसूल रहे हैं, क्या कहना है इसके बारे में? कई गृहणियों सवाल हो गए हो तो इजाजत है। चलिए चलिए ठीक है अनंत अमित जी, झारखंड के लिए क्या किया, आम जनता के लिए क्या किया, गरीबों के लिए क्या किया, मजदूरों के लिए क्या किया इस बजट में? क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है देश का, और झारखंड सरकार लगातार पूछ रही है कि झारखंड के लोगों के लिए क्या किया। महंगाई अनकंट्रोल है, लगातार बढ़ती जा रही है, सिलेंडर के दाम 1000 से ऊपर पहुंच गए, 1100, पेट्रोल डीजल लगातार बढ़ रहा है, उन सबको कम करने की तो कोई बात ही नहीं कहेगी सर इसमें, तो विपक्ष क्यों नहीं सवाल पूछे, झारखंड सरकार क्यों सवाल नहीं पूछे? बिल्कुल ठीक है, देखिए सोनी जी ये वर्तमान बजट जो है ये अमृत काल का अमृत बजट है। क्या बात है, क्या बात, देश की आजादी के बाद पहली बार हमारे पूरे देश में, सोनी जी मैं बताना चाहता हूँ, 8.6% ट्राइबल पूरे देश में रहते हैं, ये संख्या करीब 11 करोड़ के आसपास है, और देश में 730 जनजातीय पाए जाते हैं, रहते हैं। हाँ। और आजादी के बाद पहली बार हमारे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। हाँ। और इस तरह का बजट देश में पहली बार देखने को मिला है जो कि आदिवासियों पे केंद्रित है, आदिवासियों के विकास के लिए, आदिवासियों के शिक्षा के लिए, आदिवासी के लिए सड़क के लिए, ग्राफिक चलाए ग्राफिक, किस तरीके से आदिवासियों का उत्थान हो इसके लिए माननीय निर्मला सीतारमन जी ने जिस तरीके से कल बजट पेश किया जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। हम दो तीन बात इंडिया वॉइस के माध्यम से बताना चाहते हैं अपने झारखंड की जनता को भी और पूरे देश की जनता को कि निर्मला सीतारमन जी ने जिस तरीके से कल बजट की घोषणा कर रही थी और पूरे देश के आदिवासी भाइयों के चेहरे पे जो खुशी का लहर जो हमने पूरे देश में टीवी के माध्यम से और मैं झारखंड में 26% से ज्यादा आदिवासी हमारे भाई बहन लोग रहते हैं उनके चेहरे की मुस्कान से हमें ये लगता है कि ये अमृत काल का निश्चित तौर से अमृत बजट है। दूसरा पहले सोनी जी देश में आदिवासियों के लिए कितने बजट थे 8000 करोड़ को इस बार 14000 करोड़ बजट पेश किया गया सिर्फ आदिवासी भाई बहनों के लिए, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, यानी कि 14% से ज्यादा पूरे देश का बजट जो है वो सिर्फ आदिवासियों के उत्थान और विकास के लिए। तीसरा अभी तिवारी जी नौकरी की बात कर रहे थे तो सोनी जी मैं ये बताना चाहता हूं कि कल निर्मला सीतारमन जी ने लोकसभा में ये कहा है कि आदिवासियों के विकास के लिए जो एकलव्य विद्यालय जिसकी झारखंड के लिए हम चर्चा कर रहे हैं बांदे एकलव्य विद्यालय है तो झारखंड नहीं पूरे देश के एकलव्य विद्यालयों के लिए 38,800 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, साथ ही एकलव्य विद्यालयों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी जिससे कि उनके लिए लगातार विकास हो सके। दूसरा एक महत्वपूर्ण 15,000 करोड़ का एक नया बजट लेकर आई है भारत सरकार पहली बार जो कि जिसको PVTG कहते हैं जो कि संवेदनशील जनजातीय आदिवासियों के विकास के लिए होगा। इसमें मूलभूत 5 चीजों को रखा गया है उनके दूर संचार से लेके उनके पोषण के लिए उनके शिक्षा के लिए उनके स्वास्थ्य के लिए और उनके विकास के लिए जो और हमारा लक्ष्य है कि हमारे जो आदिवासी भाई बहन जो विकास के अंतिम पैदान से बैठे हुए हैं उनको उनके विकास के लिए सरकार संकल्प है उसी के तहत ये बजट पेश किया गया है और इसकी बजट की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और एक चीज मैं महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं सोनी जी पूरे देश में क्योंकि मैं झारखंड से हूं झारखंड की बात कर रहा हूं झारखंड में हमारे 26% से ज्यादा आदिवासी भाई बहन निवास करते हैं। हाँ। लेकिन आज तक किसी ने कोई सूद लेने की कोशिश नहीं की, बहुत सारे ऐसे हमारे क्षेत्र हैं चाहे आप चाईबासा चले जाइए पूर्वी सिंहभूम से लेकर चाहे तमाम 24 जिलों में जो आदिवासियों के विकास के लिए हमारी आदिवासी बहन माताओं बहनों में एक बीमारी है जो कि पूरे देश में है जिसकी संख्या झारखंड में भी बहुत ज्यादा है एनीमिया जिसको कहते हैं जिसको सोशल एनीमिया भी कहते हैं उसको रोकने के लिए सरकार ने 2047 का एक लक्ष्य रखा है और इस बीमारी से मुक्त करने के लिए भारत ठीक भारत है। एक बार जल्दी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं लक्ष्मीनारायण तिवारी की जी की, अगर 1,00,000 स्कूल खुल रहे हैं 92 इनमें टीचर्स की नियुक्ति होगी, जाहिर तौर पर जब टीचर्स की नियुक्ति होगी तो उनको रोजगार भी मिलेगा,
जनजाति कॉरिडोर की सरकार बात कर रही है, देवघर तक भारत गौरव ट्रेन के विस्तार की सरकार बात कर रही है, इसके साथ साथ कोल का व्यापार है झारखंड में, कोल की खदानें हैं तो उनको बढ़ावा दिए जाने की सरकार बात कर रही है, तो सर दिक्कत क्या आ रही है फिर विपक्ष को? देखिए सुनिए, ये शुद्ध शुद्ध हिंदी साहित्य के चुने चुने शब्दों का प्रयोग करते हैं। यह अमृतकाल हिंदू सभ्यता संस्कृति में जाए, उसका विश्लेषण हम कर चुके हैं, बाद में फिर बाद में कर लेंगे टाइम मिलेगा तो, लेकिन ये बताइए दिक्कत क्या है? अरे भैया इन तो कह रहे हैं कि ये बजट से चेहरे पर मुस्कुराहट है, अब हम लोग कुछ कितना प्रतिक्रिया देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं। देश की वित्त मंत्री कह रही है और आनंद अमित जी कह रहे हैं और बाकी बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रिया मैंने पढ़ी है, तब तो हम लोगों ने जो कहा, हम एक सवाल उठाए उसका उत्तर इन्होंने नहीं दिया, एकलव्य स्कूल की ओर ले गए। हम पूछ रहे हैं कि मनरेगा का बजट सुनिए सर, मनरेगा का बजट क्या हुआ? मनरेगा का बजट, मनरेगा के बजट का क्या हुआ? महंगाई की बात क्यों नहीं की गई? उसकी थमेगी कब तक? देश का आम नागरिक सुनिए सोनी जी गृहिणियां पूछ रही है कि 1100 गैस कैसे जलाए हम लोग, बजट बिगड़ रहा है। जवाब लेते हैं अनंत अमित भाई साहब से, जवाब लेते हैं। अनंत जी, मैं ट्विटर पे एक वो देख रहा था, कार्टून देख रहा था, उसमें कहा गया था कि आय की सीमा बढ़ा दी गई है 7 लाख तक। अब नेता सरकार पूछ रहे, जनता पूछ रही है सरकार से कि भाई आपने आय की सीमा तो बढ़ा दी 7 लाख तक, आय तो दे दो, आय कहां से होगी? जब 7 लाख होगा तो इनकम टैक्स कहां से भरेंगे? देखिए सोनी जी, आज जो स्थिति है पूरे दुनिया में, हाँ, भारत में नहीं पूरे दुनिया में, हाँ, महंगाई की जो स्तर है काफी ऊंचे लेवल पर, हाँ, बाजू भारत में इस कोरोना बीमारी के कार्यकाल खत्म होने के बावजूद भी भारत में जिस तरीके से आर्थिक व्यवस्था मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, आज आप हमारे देश के बगल में पाकिस्तान की स्थिति देखिए, तो हमारे कांग्रेस के मित्रों को, विपक्षी मित्रों को यह देखना चाहिए कि वर्तमान वित्त मंत्री की जितनी भी तारीफ की जाए सोनी जी वो कम है। इन्होंने महंगाई पर जिस तरीके से भारत में काम किया है, आर्थिक व्यवस्था को जिस तरीके, कितना काम हुआ है महंगाई पर बता दीजिए, 2014 से लेकर 2023 चल रहा है, इन 7-8 सालों में कितना काम कर लिया सरकार ने महंगाई? सोनी जी, हमारी देश की जनता एक चीज और कांग्रेस के मित्रों से जानना चाहती है कि देश में 9 साल से सरकार है सर, 9 साल से केंद्र में बीजेपी की, कितना महंगाई पर काम हुआ है? लोगों को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है, ये किसकी देन है? ये हमारी सरकार की। अरे महंगाई का बताइए ना प्रभु, आप 80 करोड़ लोगों पे अनाज पे आ गए, फ्री अनाज पे महंगाई, तो महंगाई का बताइए, सिलेंडर कितना सस्ता हुआ? देखिए मैं पेट्रोल डीजल के भाव कितने कम हुए, पेट्रोल डीजल एलपीजी दो प्रमुख ऐसी चीजें हैं जिससे महंगाई अनकंट्रोल होती है देश में। देखिए मनरेगा के लिए क्या प्लान है, क्या रोड मैप है केंद्र सरकार का? अरे मनरेगा मैं बता रहा हूँ, देखिए सरकार का संकल्प है चाहे वो मनरेगा हो चाहे वो महंगाई का मामला हो, सारे चीजों पे किस तरीके देश का विकास तभी होगा ना सर, लोगों के पास आय आएगी, लोगों के पास कुछ पैसा बचेगा, जो सैलरी आ रही है, जो भत्ता मिल रहा है, जो मजदूरी मिल रही है, वो तो एलपीजी और पेट्रोल डीजल में घुस जा रहा है, इलाज कराने के लिए हमारी सरकार बताइए कारण बताइए इस काल होगा, ये कहने के लिए अमृतकाल नहीं होगा, रामायण है होगा, खाली मंदिर मस्जिद गाय गंगा होगा, बनांचल हिमांचल मिथिलांचल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भारी ड्रामा बचियाते हैं वो यदि अमृतकाल का बजट है, बंद करिए प्रवचन मत सुनवाइए, इसको प्रवचन सुना रहे तरीके से। अरे गैस का क्या हुआ, गैस का क्या हुआ, डीजल पेट्रोल का क्या हुआ? लक्ष्मीनारायण जी को कुछ नहीं मालूम है, लक्ष्मीनारायण जी विरोध करने के अलावा कुछ नहीं पता है सर जी। बोलिए, मैं कह रहा था 7 लाख रुपए टैक्स फ्री हो गया 7 लाख तक,
अरे आमदनी होगी तब किसान क्रेडिट कार्ड से 20 लाख करोड़ का लोन होगा, 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर खोले जा रहे हैं, एक स्कूल खोले जा रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में 66% की बढ़ोतरी की गई है। फिर हम बोलना बंद कर देंगे, लाभ नहीं मिलेगा कि झारखंड की जनता को बता दीजिए सीधा सीधा, कैदी तो नहीं मिले, कैदी नहीं मिले। कभी आप सवाल पर सवाल डाग रहे हैं, वो चुप नहीं लगा रहे। कांग्रेस के गठबंधन के साथ सरकार है ना आपकी सर। अरे मनरेगा पर बताए, सुनिए ना, गैस की कीमत पर बताए, दीजिए आप, सुनिए, गरीब का थाली का निवाला छीन लिया इन्होंने। मैं क्या कर रहा हूं, हमने देने का काम किया है, छीना तो आपने था, हमने तो देने का काम किया है। राजस्थान में सिलेंडर सस्ता करने की बात कहते हैं, ये तानिक कर्ण बने हुए हैं, कांग्रेस की सरकार है जिन राज्यों में, हम झारखंड की बात कर रहे हैं, का भूत झारखंड की सरकार है, कांग्रेस राज को कांग्रेस सोए में कांग्रेस टके में कांग्रेस। हेलो आवाज आ रही है सर जी, राहुल गांधी ने राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सिलेंडर सस्ता करने की बात कही थी कि नहीं कही थी? हाँ कही थी। तो झारखंड में भी तो कांग्रेस के गठबंधन के साथ सरकार, यहाँ कम कर दीजिए, सस्ता कर दीजिए। अरे भैया केंद्र कम करे ना, हमको करे कम कर दीजिए। राहुल गांधी ने कहा था राजस्थान में कर देंगे, तो झारखंड में भी राज्य में चुनाव होने वाला है, वोट बैंक मिलेगा आपको। दिल्ली में हमारी सरकार है, दिल्ली में, अरे तो आपकी सरकार है, पेट्रोल डीजल कौन कंट्रोल करता है? अरे तो राहुल गांधी कैसे कह देते हैं कि हम राहुल गांधी कैसे कर देंगे 400 रुपए का, राहुल गांधी कैसे, ये जो पीठ थपथपा रहे, गरीबों का निवाला छीन लिया इन्होंने, भला अपनी बात पर नहीं आएंगे, अपनी बात पर तो भाई बड़ा मुश्किल कर रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ दिल्ली की गति छोड़िए, छोड़िए दिल्ली की गति, हम गैस का दाम कम कर देंगे। तो जिन राज्यों में सरकार है वहां कर दीजिए, झारखंड में कर दीजिए, छत्तीसगढ़ में कर दीजिए, राजस्थान में कर दीजिए। अच्छा दिल्ली की गद्दी पर ही बैठे, दिल्ली के गद्दी पर ये बैठे, पेट्रोल के दाम हम कम कर रहे हैं। राज्य सरकारों को राज्य सरकार कि नहीं दिया है, क्या बता रहे हैं सोनी जी आप भी, दिल्ली की महंगाई पर सियासत करना आता है, चाहे सरकार है चाहे विपक्ष हो, क्या बोल रहे हैं, आती है ना सर। अरे मैं कह रहा हूँ बात आते तो कोई आगे, अरे इनको कहिए कि दिल्ली की यूपीए में आपकी दिल्ली की सरकार में महंगाई के दाम बढ़े हैं, और बीजेपी की एनडीए सरकार में भी इसके महंगाई के दाम बढ़े हैं। उत्तर हम नहीं देंगे, नहीं उत्तर देंगे, इस तरह सवाल पूछते हैं, उनके सवाल पर आप चुप लगाते हैं जवाब पर। नहीं मैं सवाल पर सवाल आगे जा रहा हूँ, तिवारी से भी पूछूं, मैं कह रहा हूँ कि ये बताएं कि दिल्ली की गद्दी इनके हाथ में है, गैस का दाम हम कम कर रहे हैं, पेट्रोल का दाम हम कम कर रहे हैं, मनरेगा बजट हम ले लावे, दिल्ली की कुर्सी छोड़े खाली करें। ठीक है आनंद, में थोड़े होता है। देखिए सोनी जी, ये तो जनता तय करेगी, जनता ने जिस तरीके से जनता करेगी तय करवाइए मत। 14 में इनको गद्दी से नीचे उतारा, क्यों उतारा? क्योंकि इनके क्रियाकलापों की वजह से, और जनता ने पुनः हमें 2019 में गद्दी दिया, क्यों दिया? हमारे कामों के आधार पर। अच्छा झारखंड में अभी गद्दी पर है क्या यार? आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं। हिमाचल में, हिमाचल में क्या कहना है? हिमाचल में जनता जान गई। अरे हिमाचल में क्या कहना है? हिमाचल में सोनी जी चोर दरवाजे से खटकता चाहिए, पूरे मध्य प्रदेश में थे आप, मणिपुर में थे आप, हम गोवा में थे आप, तारीफ करते हैं। अरे मणिपुर गोवा मध्य प्रदेश में थे, चोर दरवाजे चाहिए पूरे देश में, इस बजट के इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद झारखंड में क्या स्थिति देखते हैं आनंद अमित? निश्चित तौर पे झारखंड का काफी विकास होगा, जो पिछले कई वर्षों से नहीं हो पा रहा था, और वर्तमान सरकार जिस तरीके से 3 वर्षों में झारखंड का बेड़ा गर्व कर दिया, गर्व कर दिया, समय में हम निश्चित तौर पर गर्व का फायदा होगा। बहुत सारे आनंद अमित आएंगे, मैं रघुवर दास जी हमारे आएंगे, पूर्ण रूप से राज्य में सम्मोहित नहीं कर रहे, हम तो चाह रहे हैं कि हमारे बजट को, अरे अब हाथी नहीं उड़ेगा, आदिवासी के कल्याण, हाथी नहीं उड़ेगा, तमाम जनता के कल्याण के लिए है, हाथी उड़ाते हैं ना, पैसे का सही रूप से प्रयोग कीजिए, राज्य का विकास होगा, बस हम तो यही जानते हैं, और निश्चित तौर पे हम राज्य के विकास के लिए संकल्प है। और सीमेंट उद्योग है कि नहीं है लक्ष्मी नारायण तिवारी झारखंड में? निश्चित तौर पे है, कोयला और सीमेंट उद्योग है, 75 लाख करोड़ या मेरे ख्याल से 75,000 करोड़ सरकार ने दिए उसके लिए, 75,000 करोड़ झारखंड। सोनी जी, सोनी जी, हाँ, मुद्दों से नहीं भटक के आप केंद्रीय बजट के लिए बोले हैं,
आप बजट पर पूछिए, बजट पे मैंने पूछा सर, बजट से बात नहीं है, सवाल पूछा, बजट पे सवाल है, आप शायद आप सुनिए ना बजट का सवाल, सुनिए सुनिए बजट का सवाल, पता नहीं मैं क्या बजट का, मैं शाम को जाकर बजट पढ़ना शुरू करूंगा, तो क्या बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जवाब इनसे लीजिए कि आखिर बहुत शुक्रिया आपका आनंद अमित, नेता भारतीय जनता पार्टी, लक्ष्मी नारायण तिवारी नेता कांग्रेस, आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बजट पर सियासी रार झारखंड में देखने को मिल रही है। केंद्र सरकार का दावा है कि इस बजट से समृद्ध भारत होगा, भारत और नई ऊंचाइयों तक जाएगा, तो वहीं झारखंड सरकार और विपक्षी दल सवाल पूछ रहे कि आखिरकार इस बजट में झारखंड वासियों के लिए क्या, आदिवासियों के लिए क्या। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।